बसम अल्लाह रहमान रहीम। आज की वीडियो से मुतालिक मालूमात से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि हमने बनाया है नया यूट्यूब चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको दी आपके पसंदीदा स्टार्स की मालूमात सो पाकिस्तान इंडस्ट्री से मुतालिक मालूमात के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काला डोरिया की, कि उसकी पहली कस्त कैसी थी। सो सबसे पहले तो ड्रामे की राइटर ही कमाल की है। ड्रामा साइमा अकरम ने लिखा हो और डायरेक्ट दानिश नवाज ने किया हो तो ड्रामे का मजा न आए ये हो ही नहीं सकता। साइमा अकरम के अब तक लिखे गए ड्रामास का रिकॉर्ड बहुत ही मदा जा रहा है। ड्रामे में हंसी मजाक होता है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। उनका लिखा हवा ये कोई आम स्टोरी नहीं होती जो अब बदनाम हो चुकी है, वही सास बहु वगैरह वगैरह। खैर बात करते हैं काला डोरिया की। ड्रामे का आगाज बहुत अच्छा हवा, पहली कस्त छोटी छोटी नोक जोक हुई लेकिन इतना ज्यादा मतलब ज्यादा फनी नहीं था, लेकिन बोर भी नहीं हुए, दिलचस्प भी था और मजा भी आया। खैर कुछ लोग कह रहे थे कि हम तुम और चपके चपके का मिक्सचर है, लेकिन टोटली मुख्तलिफ कहानी है। ड्रामा बहुत जबरदस्त होने वाला है और जो लोग कह भी रहे तो कोई नहीं, जब लिखा हवा एक ही राइटर का है तो क्या जाहिर है। हम तुम और चपके चपके दोनों मजाकिया भी थे और संजीदा भी, और ये भी कुछ उस तरह की ही स्टोरी जैसे मतलब के हम तुम और चपके चपके कहने में एक तरह के मजाकिया और संजीदा, लेकिन स्टोरी तो अलग थी न। ऐसे ये भी और हमने हम तुम और चपके चपके देखा, इसीलिए हमें इन जैसी वाइब उसमें भी नजर आएगी। जैसे उस्मान खालिद भट्ट के किरदार असफंदियार में चपके चपके के फीजी की झलक आई और सना जावेद के किरदार में रोमियो बेजहीर की झलक नजर आई। जाहिर है एक ही इंसान है, अब अपने तासरात और बोलने का अंदाज तो तब्दील नहीं कर सकते न। बाकी दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और अब आते हैं नादिया अफगान के किरदार पर, तो भाई कमाल, सनू चंदा की तरह उसमें भी कमाल। और नई एक्ट्रेस असफंदियार की फपू जो देखने को मिली, उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग का मुजाहिरा किया, न ज्यादा ओवर हुई और न बड़ी एक्टिंग की। और उसके बाद मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, भाभी और देवर की बॉन्डिंग क्या प्यार है दोनों में। वाह साइमा अकरम साहबा ने फिर उन दोनों किरदारों के जरिए एक बहुत अच्छा पैगाम दिया। ड्रामे साथ साथ मजाकिया भी रहेगा लेकिन संजीदा भी बहुत होगा। खैर ये सब आगे चल के देखते ही मजा आया, पहली कस्त का एंटरटेनमेंट होगी। वैसे भी हमारे मुल्क के हालात, खैर मजीद मालूमात के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, शुक्रिया। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल।